हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में स्टार्ट किया था। हम लोग सीख रहे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कुछ हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये आपके क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2 है। चैप्टर नंबर 9 बेसिकली आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पे है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है, और हम उसमें जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म को निकालने का क्या तरीका है। तो बेसिकली हम लोग ने एक फार्मूला डेवलप किया था लेक्चर नंबर 1 में, और एक फॉर्मूला लिखा भी था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ एपी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। ये हमारा एपी का nth टर्म और सम देता है ये फॉर्मूला, ठीक है। हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और ये प्रॉब्लम बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में टोटल 18 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिर्फ 3 प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है ना, फ्रॉम 1 टू 2001, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑड इंटीजर एक से क्या होता है, ठीक है ना। ऑड इंटीजर की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक खुद एक ऑड इंटीजर है, फिर उसके बाद इसमें दो जोड़ने पर 3, फिर इसमें और दो जोड़ने पर 5, इसके बाद 7, ऐसे ही। और आप ध्यान से देखेंगे तो 2001 भी एक ऑड इंटीजर ही है, ठीक है ना। देखिए हर एक टर्म 2 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, एपी है, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स को हमें जोड़ना है, हमें सम फाइंड करना है, मतलब हमें एस एन इक्वल्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 नहीं लिखना, हमें 3 लिख देना काफ़ी है, समझ में आता है इतना, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप अगर मैनुअली कैलकुलेट करने जाएंगे, खुद से कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है ना। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, एस एन इक्वल्स एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a + n-1d। हमने इसका प्रूफ भी देखा लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर में हम इसका इस्तेमाल देखेंगे, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम को करने से क्या होगा ना, कि आप इस फॉर्मूले को याद करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, मदद मिलेगी। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको एज का वैल्यू जानना जरूरी है, एन का वैल्यू जानना जरूरी है, और डी का वैल्यू जानना जरूरी है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका सिक्वेंस का, डी क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म 2001 है, ठीक है ना। अगर ये 2001 कौन सा टर्म है, अगर हम ये जान लें तो नंबर ऑफ टर्म इन दैट गिवन सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा, मतलब एन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ए पता है, a = 1, डी पता है d = 2, इवन मुझे मेरे को एन भी पता है, एन 2001 है, लेकिन एन नहीं पता है, ठीक है, एन नहीं पता है, ठीक है ना। ये हमारा एन होगा, ठीक है ना, लास्ट टर्म, ठीक है ना, एनथ टर्म, अगर एन 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 नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एन इक्वल्स लास्ट टर्म इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन डी, जो कि ऊपर ऑलरेडी मैंने लिखा है, ठीक है ना, इसको इक्वल करेंगे 2001 से, ठीक है ना, इस ये फॉर्मूला, ठीक है। अब जब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और डी का, तो ये होगा ऐसे, 1 + n-1 × 2 = 2001, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन का वैल्यू जो होगा वो 1001 होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे टोटल इसमें 1001 होंगे। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को। तो जो हमारा सम होगा वो एस एन
इक्वल्स एन क्या है हमारा 1001 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1, एन क्या है फिर से हमारा 1001 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1001 मल्टीप्लाइड बाई 1001 होगा, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001 विल बी इक्वल टू 100201। इसका आप आंसर चेक कर सकते हैं आंसर वाले पार्ट में, ठीक है ना, लास्ट में दिया रहता है एनसीईआरटी बुक।